नमस्ते, आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। आप देश के नागरिक हैं या देश से प्रेम करते हैं, इसका सर्टिफिकेट मांगने वाले इन दिनों थोक के भाव बढ़ गए हैं। सबकी अलग अलग शर्तें हैं, अलग अलग खांचे हैं और उनमें लोगों को फिट कर देना है। जो फिट ना हो उसे गिरिराज सिंह, मेरठ SP और सोशल मीडिया के ट्रोल्स के शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। कौन भारत में रह सकता है, इसकी एक और शर्त लेकर आए हैं धर्मेंद्र प्रधान। मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद हैं। शनिवार 28 दिसंबर को उन्होंने बताया कि जो भारत माता की जय बोलेंगे वही भारत में रहेंगे। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये देश धर्मशाला नहीं है। RSS की छात्र इकाई है भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP। महाराष्ट्र के पुणे में इसके 54वें प्रदेश अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधान ने जो कुछ भी कहा आप इस वीडियो में सुनिए। क्या भगत सिंह के बलिदान बेकार जाएंगे? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बलिदान बेकार जाएगी? क्या इस देश की करोड़ों असंख्य जनता जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई किए थे इसीलिए कि आजादी के 70 साल के बाद इस देश इस विचार पर विचार करेगा कि नागरिकता के बारे में हम गिने कि ना गिने? क्या इस देश को हम धर्मशाला बनाएंगे? क्या इस देश को जो है तो ऐसे रह पाएगा? इस विषय पर आज चुनौती हमको स्वीकार करना पड़ेगा, इस विचार को स्पष्ट करना पड़ेगा। भारत में भारत माता जय कहना ही पड़ेगा, ऐसे लोग ही रह पाएंगे, इसकी विचार को हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि ABVP जैसे संगठनों को इंडस्ट्री में ऑटोमेशन बढ़ने के बीच बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान खोजने की दिशा में काम करना पड़ेगा। रोजगार देना सरकार का काम है, इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उन्होंने कहा 21वीं शताब्दी में इस बात में कोई शंका नहीं है कि ABVP एक नेतृत्व वाली इकाई होगी। मूल्यों वाली शिक्षा और एंटरप्रेन्योरशिप इस यात्रा में अहम होंगे। उन्होंने कहा कि वो ABVP से 1983 से जुड़े हुए हैं और इसमें उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि राष्ट्रीय महासचिव बनने की रही है। प्रधान ने कहा कि कुछ लोग खुद को देश का इंटेलेक्चुअल मानते हैं और देश को अपनी जागीर समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि हमारे विचार ही हमें जीवन की सही दिशा दिखाते हैं। ABVP या RSS के मूल विचार और दृष्टिकोण हमें वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला बनाते हैं, देश को बांटने वाला नहीं। NRC और NPR को लेकर देश में बवाल चल ही रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के हिसाब से चले तो कागज दिखाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि देश में आपको सुकून से रहने दिया जाएगा। खांचे में फिट बैठने के लिए आपको बात बात पर चिल्लाना भी पड़ेगा भारत माता की जय। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। ये जानकारी हमारे साथ ही निशान ने आप तक पहुंचाई है। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही गूगल प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।